राहुल सिंह, स्वागत है आपका इस शो में जिसका नाम है लाफ्टर का डोज फन फन। तो कुत्तों की दुनिया, सोचिए अगर इंसानों की जगह पे ये पूरी दुनिया में कुत्ता होता तो क्या होता। बस चलाने वाला कुत्ता, ट्रेन चलाने वाला कुत्ता, झालमुड़ी बेचने वाला कुत्ता, खाना बनाने वाला कुत्ता, ऑफिस जाने वाला कुत्ता, मतलब इंसानों की जगह पे कुत्ता होता तो क्या होता। सबसे पहले तो स्टेशन की दीवारों पे लिखा हुआ रहता है, कृपया पान खाकर इधर उधर ना थूके। कुत्तों की दुनिया में ये लिखा होगा, कृपया टांग उठाकर इधर उधर ना मुते। लिखा घरों की दीवारों पे लिखा होता है, कुत्तों से सावधान। यहाँ लिखा होगा, इंसानों से सावधान। अनाउंसमेंट होता है रेलवे स्टेशन पे, किसी भी संदिग्ध वस्तु को देखें तो भौंक दें। सोचिए भाई साहब, अगर ये दुनिया पूरी कुत्तों की होती तो क्या होता। कुत्ता ऑफिस जा रहा है, पूरा टाई वाई लगा के बीवी को बोला, जा रहे समझ रहे हो, बाहर मत निकलना, बहुत देख रहे हैं, जब भी आते हैं तुम वो शर्मा कुत्ता से लगे लगे रहती हो, सही नहीं है ये, यही सब ब्लेम करो, कुत्ता ही रहो जिंदगी बचाओ। अब बेचारा बस स्टॉप पे गया है, बस आई, बस रुकी और सबसे पहले जाके टायर सूंघा और उठा के डाल दिया। दूसरा कुत्ता बोला, वाह, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। बोला, बेटा छेद नहीं कर रहा, धो रहे, देखो। और जाके बस में बैठ जाता है, बस में बैठा जाके लेडीज सीट पे, कुतिया आए, एक्सक्यूज मी। बोला, क्या है? बोला, पढ़ने नहीं मालूम। बोला, हाँ, दिस इज लेडीज सीट। बोला, तो जेंट्स का मेरा कोई शौक नहीं, मैं दोस्ताना नहीं बनाना, बैठना बैठो यहाँ। दोनों लड़ेंगे, कुत्ते हैं, सुधरेंगे कहां से। सोचिए कुत्तों की अभी शादी होने वाली है, लड़की देखने गए हैं सारे लड़के वाले, लड़की जो है ट्रे में बिस्किट और दूध लेके आई है, उसकी नजर कुत्तों की पूंछ पे पड़ जाती है, जो लड़का दूल्हा बन के आया कुत्ता उसके पूंछ पे, उसका पूंछ होता है सीधा, ट्रे रखती है और सीधा अपनी मम्मी के पास, क्या पूछ ले, देखो सीधा छीट खोपड़ी कुत्ता है, पागल है, बोले एक मिनट बात तो करने दो, हो सकता है इधर उधर मोड़ा गया होगा, सीधा होगा। तो लड़के से इंक्वायरी होती है, हाँ जी बताइए, दिखाइए अपना नाखून, दिखाइए कितने नाखून। नाखून दिखाता है बेचारा, एक दो नाखून इधर छुपा के रखता है, क्योंकि बिसहरे कुत्ता मतलब पागल होता है। बोला, अपना पूंछ दिखाइए, पूंछ दिखाया तो पूरा जबरदस्ती मोड़े हुए कि पागल ना घोषित हो जाए, देखिए तो कट टू कट है, बस अल्टीमेट है। उसके बाद उसके कान को पकड़ के उठाया जाता है, कि भाई जो कुत्ता कान पकड़ के उठाया और चिल्ला दिया वो कुत्ता चोर होता है, ऐसा कुत्ते को चेक किया जाता है। तो उसके कान पकड़ के उठाया जाता है, जबरदस्ती बर्दाश्त करके चुप है, चिल्ला दे के साला हमारा ब्याह नहीं होगा, अभी तो करना जरूरी है ना। तो भाई शादी बोलते ही भाई लड़का फाइनल हो गया। फाइनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ जॉब कहाँ करना हो रहा है आपका, सिद्धि विनायक मंदिर के पास में ड्यूटी है, एरिया अच्छा है ना, प्रसाद उत्साह से मतलब बराबर भोजन पानी मिलते रहता है, टेंशन भी नहीं है, सिग्नल भी क्रॉस नहीं करना पड़ता है। बाबा बाबा, लड़की फाइनल, शादी फाइनल हो गई, शादी फाइनल हो गई। आप देखे होंगे कभी गौर से कि कभी भी कुत्ते को पॉटी करना होता है ना, तो धरती को सूंघ के चार बार घूमता है, उसके बाद करेगा वो। तो वहां पे फेरे लेना था, जयमाला हो गया, फेरा शुरू हो गया, जैसे सात फेरे लेने हैं, चार ही फेरे में दोनों कुत्तों कुतिया को प्रेशर आ गया। पंडित को बोला, बेइज्जती कराओ क्या, हो गया ना, खत्म करो, बाद में लिया जाएगा बाकी फेरा, नहीं तो यही जल खराब हो जाएगी। भाई साहब शादी हो गया, अभी हनीमून पे गए, फ्लाइट में बैठे हैं, तो अनाउंसमेंट होता है, कृपया अपने अपने पट्टे बांध लें, बांध 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 फ्लाइट। उसके बाद किसी भी अकस्मात दुर्घटना के लिए नीचे दोलची रखी गई है और साथ में एक बलून है, दोलची में बैठे और रास्ते में बलून फूला, शायद आप बच जाएंगे। चेक किया, देखो देखो तुम्हारे 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 नीचे है रखा रखा दोलची, देखो कहीं एक ही दोलची में ना बैठे, वजन भारी हो जाए, सबको अलग अलग बचना है भाई। तो सब लोग अनाउंसमेंट सुन लिए, एयर होस्टेस आती है, मे आई हेल्प यू सर। बोला, हाँ वो खंभा व्यवस्था है। बोला, हाँ सर उधर लाइन से खंभा बना हुआ है, पर एक्सक्यूज मी सर, बिना सूंघे करना है सर, प्लीज सूंघना मत, अलाउ नहीं है सर फ्लाइट में। हट है यार, सूंघेंगे नहीं तो निकले कैसे। देखिए अभी कुत्ते लोग हनीमून करके आ गए, अभी कुतिया प्रेग्नेंट हो गई,
हॉस्पिटल में एडमिट है, कुत्ता परेशान घूम रहा है। प्रभु सब ठीक कराना। डॉक्टर बाहर से निकलता, बोलता है कि हो गया। बोला क्या हुआ? बोला बक पागल, क्या हुआ मत पूछो, कितना हुआ ये पूछो। सॉरी कुत्ता है ना, कितना हुआ? बोला 8 हुआ, एक डॉवरमैन भी है। कुत्ता डॉवरमैन सुनते घबरा जाता, डॉवरमैन हमारे कैसे हो सकता, हम तो देसला है। बोला हमसे क्या पूछते हो, बीबी से पूछो। वो गया अंदर, बोला क्या हुआ? मुबारक हो 8 बच्चे हो तुम्हारे। बीबी बोलती है, तो बोलता पागल हो गया क्या, कुत्ता जिंदगी भर कुत्ते ही रहोगे क्या, चेहरा नहीं मिल रहा है। बोला वो सब तो छोड़ो, चेहरा नहीं मिल रहा, ये डॉवरमैन कहाँ से आया? बोला नहीं बताओ। बोला जब एकदम कैसे बेवकूफ आदमी हो हम, अभी इतना प्रेशर से गुजर रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, और तुम यही सब पूछ रहे हो हमसे, कुत्ता ही रहोगे तुम साले। वो मतलब नहीं है, इज्जत का सवाल है, मोहल्ले में लोग क्या बोलेगा, साले कुत्ते बीच में हमारे नाम खड़ा हो जाए, तुम बताओ पहले डॉवरमैन कहाँ से आया। चिट्ठिया उठती बोलती है, सुनना चाहता हो तो सुन लो, ये शर्मा जी का, तिवारी जी का है, वो पिछले टोले लेके गए थे पश्चिम टोला में, वो उनका है, डॉवरमैन पूछ रहे हो ना, एसपी साहब के यहाँ हमको ले जाके छोड़ दिए काहे के लिए, एसपी साहब का इज्जत था, डॉवरमैन घूम रहा था, बहुत देर से देखा, मना किया लेकिन नहीं माना, तो लो पालो।